Hello friends, I am Hari. Examples on cantilever beam subjected to informally distributed load anywhere on the beam. Cantilever beam when is subjected to UDL at anywhere, any place in the beam. तो आप मेरे इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें क्योंकि कैंटिलीवर बीम का काफी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होती है या ब्रिज का दिस। ये लोड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, और ये है 10 मीटर, ओके, एंड दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड, क्या आपको निकालना है एस एफ डी नंबर 2 बी एम डी डायग्राम। बोथ एस एफ डी एंड बी एम डी डायग्राम इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर डिजाइनिंग ऑफ स्टील वेदर विल विद नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स एंड व्हाट विल द स्ट्रेंथ ऑफ एस एफ एंड बी एम टू डिजाइन द स्टील एंड अदर पैरामीटर्स। लेट अस सी क्विकली। आप पहले करेंगे स्टेप्स में, देखिए व्हाट आर द स्टेप्स। फाइंड रिएक्शंस, सपोर्ट, ओके, नंबर 2, देन एस एफ डी, नंबर 3 बी एम डी और चौथा है ड्राइंग। ये आपकी दैट इज 4 स्टेप फॉर दिस कैंटिलीवर बीम एस एफ डी बी एम डी एंड ड्राइंग। तो रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आप रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन निकालने के लिए क्या होगी, हियर इज द आर ए, ओके, दिस इज आर ए और जैसे दिस इज द स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। तो हम इसमें थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है हम लगा सकते हैं। देयर आर 3 नोन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें आप पहला लगाइए, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, 10 इंटू 3 30 किलो न्यूटन और ये इसको आर ए बैलेंस करेगी, ओके। तो देन जस्ट आर ए विल बी आर ए इज इक्वल टू 30 10 इंटू 3 30 किलो न्यूटन, ओके, जस्ट वेरी इजी टू सॉल्व दिस। अब निकालिए शेयर फोर्स, व्हाट विल बी द शेयर फोर्स। आप याद रखिए दोस्तों, कोई भी सेक्शन ले लीजिए, यहां पर कोई भी सेक्शन ले लीजिए और इसमें यदि इफ द राइट साइड ऑफ द ये राइट साइड अगर ये कमिंग डाउन देन डेफिनेटली दिस विल गो अप। तो ये इस केस में ये पॉजिटिव एसएफ होगी। व्हेन टेक एनी सेक्शन दिस सेक्शन विल कम डाउन, देन फॉर द कैंटिलीवर पोर्शंस यू हैव टू टेक पॉजिटिव एसएफ शेयर फोर्स डायग्राम। तो जस्ट ड्रॉ वन लाइन हियर, एक आप लाइन ड्रॉ करें ऐसे और वहां पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ये बी लिखिए, ये डी लिखे और ये सी लिखे। ये पॉइंट हम नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे, ओके। आप देखिए डी और बी के बीच में देयर इज नो फोर्स, तो नेचुरली ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ये दिस ओनली स्ट्रेट लाइन, देयर विल बी नो एनी शेयर फोर्स, ओके। नाउ हियर हियर ऑल्सो विल बी जीरो और यहां से यहां क्या होगी, ये 10 इंटू 30 30 तो 30 जाएगी इस तरह से, दिस विल बी अ ट्राइंग स्ट्रेट लीनियर वेरिएशन, ओके, दिस इज ट्राइंगल विद स्ट्रेट लीनियर वेरिएशंस फ्रॉम डी टू दिस पॉइंट सी दिस। और ये कितनी हो जाएगी, 10 टू 3 30 किलो न्यूटन। तो दोस्तों ये सी टू ए, सिंस देयर इज नो फोर्स नो लोड,
सो एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन होगी रेक्टेंगल के फॉर्म में, और जो ए पे आपका जो इक्वल टू 30 kN, ओके, सेम लोड इज कमिंग लाइक दिस एंड विल गो स्ट्रेट। और चेक के लिए आप देखेंगे कि जो भी हमारे सपोर्ट पे आ रहे हैं वो आरए के बराबर होनी चाहिए, आरए 30 kN है, तो ऐसे भी इस तरह से बनाएंगे। और इसको हम प्लस लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि आप प्लस नहीं लिखेंगे, आप ऐसे भी नहीं लिखेंगे, तो क्या होगी, देर वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज दिस। तो इस तरह से एसएफडी कंप्लीटेड। नाउ बीएमडी के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, इट बी एंड डी इक्वल टू एम डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी के राइट साइड में देर इज नो लोड, नो डिस्टेंस, यहां पर वो जीरो होगी, और यहां पर डी पर डिस्टेंस है बट देर इज नो लोड, लोड इज जीरो, सो बेंडिंग मोमेंट एट डी इज जीरो। अब आपका मेन है आपको सी पे, यू हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट इज वेदर इट होगिंग और सेगिंग। तो ये बेंडिंग, इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंस लाइक दिस, दिस इज द वन क्लॉकवाइज मोमेंट इज कमिंग कपल विज जनरेटेड, सो दिस विल बी हॉग्ड वन, माइनस माइनस बेंडिंग मोमेंट मीन्स हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेटेड फॉर दिस कैंटिलीवर बीम। तो दोस्तों कैंटिलीवर बीम के लिए इस तरह से करेंगे, एम सी बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी माइनस W क्या होगी, 10 into 3, ओके, इंटू इसकी सेंट्रल डिस्टेंस 1.5, क्योंकि जो भी यूटीएल है वो सेंट्रल में एक्ट करती है, ओके, लाइक दिस, सो डिस्टेंस विल बी 1.5 फॉर टेकिंग बेंडिंग अबाउट सी। तो 30 into 1.5 आपकी हो गई माइनस 45 kN। ये आपको याद रखने होंगे, होगी, सो जस्ट पुट हियर, दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज डी, तो यहां पे हम होगिंग है, तो ये दिस विल बी ए पैराबोला, ओके, राइट डाउन पैराबोला, सी टू सी विल बी पैराबोला एंड दिस विल बी 45 kN। नाउ फॉर बेंडिंग मोमेंट एट ए, एम ए विल बी, दिस इज होगिंग, और क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस माइनस लोड कितनी हो गई, 10 into 3, 30, ओके, और इसकी डिस्टेंस लेना है आपको, ये सेंटर से दिस वन कितनी हो गई, 4.4 एंड 1.5, 5.5, दिस इज द डिस्टेंस 5.5, सो 5.5 लेने हैं आपको, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको मिलेंगे 165 kN। ओके, और ये होगी होगी, तो इसको यहां इस तरह से कर देंगे और ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ओके, दिस विल बी स्ट्रेट, दिस इज स्ट्रेट, स्ट्रेट लीनियर वेरिएशन, ओके, लीनियर वेरिएशन, ओके, दिस वन फ्रॉम सी टू ए, दिस विल बी लीनियर वेरिएशन, और यहां पर माइनस लिख दीजिए और यहां 165 लिख दीजिए, ओके, एंड दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप इसको लिखना ना भूले, दिस इज बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो दिस आप देख लिए कि कैसे हम एक कैंटिलीवर बीम है, व्हेन द लोड इज प्लेस्ड एनीवेयर द स्पैन, आप इसी तरीका से शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे, इनका सेप इसी तरह होगा, अगर ये लोड इधर जाती है सेप विल बी लाइक दिस, एंड दोनों का बेंडिंग और शियर फोर्स डायग्राम की जो शियर फोर्स है बेंडिंग मोमेंट है दोनों का सेप इसी तरह होंगे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होगी,
तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे अगले वीडियो में आप फिर से आएंगे और मैं जल्दी आपको एक अच्छा सा वीडियो स्ट्रक्चर एनालिसिस पर पोस्ट करूंगा, जो कि मेरा चैनल आपको कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर एनालिसिस डिजाइनिंग एंड लेटेस्ट टॉपिक पर पोस्ट करता रहता है। तो मेरे सभी दोस्तों से आग्रह है, सभी न्यू विजिटर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने लाइक्स सब्सक्राइब और कमेंट्स देने की कष्ट करें और मेरे वीडियो बने रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी। थैंक यू।